हेलो, मैं हूँ अंजलि और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शकरपारे की रेसिपी। बिल्कुल हलवाई की तरह, बिल्कुल हलवाई की तरह शकरपारे कैसे बनाते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे दिखने वाले वाइट वाइट और फ्लेकी शकरपारे। तो चलिए देखते हैं इसे हलवाई कैसे बनाते हैं। तो मैंने लिया है इसके लिए 500 ग्राम मैदा। इस मैदे में हम मिक्स करेंगे बेकिंग पाउडर। तो 500 ग्राम मैदे में मैं यूज़ कर रही हूँ आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप इसको सही मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो आपके शकरपारे भी ऐसे ही बनने वाले हैं। मेज़रमेंट को आप नोट करते जाइए। आधा किलो मैदे में मैंने मिलाया है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और शकरपारे खस्ता बनाने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें मोइन के लिए घी। और मैंने घी उपयोग किया है 125 ml। मतलब जितना आप मैदा ले रहे हैं उसका एक चौथाई आपको घी लेना है। या ऑयल डालना चाहे तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मीठी चीज़ें हमेशा घी से ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसको मिक्स कर लिया है। अब हमें इतना ही पानी लेके इसे गूंदना है। आटा हमें थोड़ा सा टाइट लगाना है, जितना रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड रखना है। तो जितना घी लिया था लगभग उतना, ये आधा ग्लास मैंने पानी यूज़ किया है इसको गूंदने में। थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ी तो बीच बीच में हल्का फुल्का और डाल लिया है। तो ये इस तरीके से एक टाइट सा डो लगा लिया है। और इसको अब हम 15-20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि मैदा अच्छी तरीके से फूल जाए। 20 मिनट बाद देखिए, ये इस तरीके से हमारा डो तैयार है। और इसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं गूंदना है, इसे बिल्कुल अनइवन रखना है। और इस डो से मैं बना रही हूँ 3 लोइयाँ बराबर बराबर। और लोई को भी हमें ज़्यादा नहीं मसलना है, बिल्कुल अनइवन सा, मतलब जैसे उठाया है अपने आटा वैसे ही इसको गोल गोल कर लेना है। बस इस लोई को उठाइए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, इसे दबा दबा के एक बड़ा सा पेड़ा बना लीजिए। सिंपली दबा के एक बड़ा सा पेड़ा बना लीजिए। अब चलिए हम ले लेते हैं एक बड़ी सी रोटी। और जो ये रोटी हम बना रहे हैं आधा इंच से थोड़ा कम, एक चौथाई इंच के करीब मोटा रखना है। आप जितना मोटा बनाएंगे आपके शकरपारे उतने ही फ्लेकी और खस्ता बनेंगे। ये देखिए मैंने इतनी मोटाई रखी है इसकी। और देख रहे हैं आप बिल्कुल अनइवन सी रोटी बनी है, कितनी सारी लेयर्स और क्रैक्स दिख रहे हैं उसमें, बिल्कुल ऐसी ही बनाना है। अब हम इन्हें अपने पसंद के शेप के हिसाब से काट लेंगे। तो मैं इसे जैसे मार्केट में बनता है वही शेप बना रही हूँ, चौकोर चौकोर और स्मॉल पीसेस छोटे छोटे। तो आप क्या करिए, सारे रोटियाँ बेल कर और सारे पारे बना कर रख लीजिए और फिर बाद में इन्हें तलने की तैयारी करिए। इस तरीके से इन्हें निकाल के अलग अलग रख लीजिए। अब हम तैयारी करते हैं इनको तलने की। तो हमें इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे तलना है। तो आप जो भी घी या ऑयल लेंगे तो उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिए। इनको डालने के बाद में हल्के से बुलबुले आने लगे। तेज फ्लेम रखेंगे तो ये अंदर से सिकेंगे नहीं और कच्चे रह जाएंगे और जितने फूले और फ्लेकी बनना चाहिए वैसे भी नहीं होंगे। तो देखिए मैंने इसमें एक बैच डाल दिया है और बस अब इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। मैं कढ़ाई हिला के इन्हें सेट कर दे रही हूँ। जब ये फूलकर ऊपर आ जाए, देखिए एक मिनट बाद ये फूलकर इस तरीके से कढ़ाई पर ऊपर आ गए हैं। अब इन्हें आप टच कर सकते हैं। बस धीरे धीरे हिला के इन्हें पलट देना है और फ्लेम को हाई कर देना है सिर्फ 20-30 सेकेंड के लिए।
जैसे ही फ्लेम हाई होगी तो इनके ऊपर की स्किन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और ये पलटने में आसान हो जाएंगे। फिर हमें फ्लेम को लो कर देना है इस तरीके से और बिल्कुल लो फ्लेम में इन्हें 5-6 मिनट तक तल लेना है। 5-6 मिनट में ही ये तल के तैयार हो जाते हैं, देख रहे हैं आप फूल गए हैं ये और इनमें आपको बिल्कुल लेयर्स दिखाई देने लग गई हैं इनके ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुलने वाले हैं, इस तरीके की लेयर्स आपको दिख रही हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है, इनको ब्राउन नहीं करना है, ये वाइट ही रहते हैं और अंदर से अच्छे तरीके से पक जाते हैं। अगर आप लो फ्लेम पे तलेंगे तो बिल्कुल वाइट रहेंगे ये और अंदर से भी अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। सारे पारे आप तल कर निकाल लीजिए पहले, फिर हम तैयारी करेंगे इन्हें चाशनी में डिप करने। ये देखिए कितने बढ़िया लेयर्स बनी है इसमें। अब चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे एक बर्तन और जितनी हमने मैदा ली थी 1/2 kg, तो इसको चाशनी के लिए भी हम 1/2 kg शुगर लेंगे और इसमें डालेंगे हम शुगर का 1/2 पानी, मतलब 250 ml पानी। जितनी शक्कर ली है उसका 1/2 पानी लेना है हमें। अब गैस को ऑन कर देंगे हम। तेज आंच पर हम चाशनी को 2-3 मिनट पकाएंगे। ये चाशनी लगभग 2-3 मिनट में ही अगर हाई फ्लेम पर बॉईल करते हैं तैयार हो जाती है और हमें सिर्फ एक तारकी की चाशनी बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप देखिए टच करके देखिए 2-3 मिनट बाद ये इस तरीके से इसमें एक ये देखिए इस तरीके से तार बनने लगा है। चाशनी हमारी तैयार है और बिल्कुल गर्म गर्म चाशनी में अब हमें ये सारे तले हुए पारे डाल देना है। गरम चाशनी में डालने से क्या होगा कि ये चाशनी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे और इवनली मीठे हो जाएंगे। हलवाई लोग चाशनी को साफ करने के लिए अक्सर अमोनिया डालते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होता है। अगर आपकी चाशनी में कुछ मटमैलापन होता है तो उसे दूध डालकर, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, सारी गंदगी ऊपर आ जाएगी और उसे निकाल दीजिए। गंदगी निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शक्कर पारों का कलर चेंज हो जाएगा। मेरी शक्कर बहुत साफ थी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसे क्लीन करने की। बस हमें ऐसे हल्के से चलाते हुए इन्हें मिक्स कर देना है। हर 1-2 मिनट में इसे चलाते रहिए ताकि शुगर अच्छी तरीके से कोट हो जाए इसके ऊपर और जैसे जैसे चाशनी ठंडी होगी गाढ़ी होती जाएगी और इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट होती जाएगी। ये देखिए चाशनी गाढ़ी होती जा रही है, आप साइड में वाइट वाइट देख सकते हैं, ये चाशनी गाढ़ी हो रही है और सूखती जा रही है। और बस अब हम इन्हें निकाल कर एक बर्तन में रख लेंगे और बिल्कुल आराम से निकालिए, नहीं तो क्या होगा कि इनकी जो लेयर्स है वो टूटने लगेंगी। और यदि आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो इसको इसी बर्तन में रहने दीजिए, ये ठंडे होने के बाद में फिर इन्हें सेपरेट कर लीजिए। और यदि कम मीठा खाना है तो इस तरीके से आप धीरे धीरे निकालते जाइए तो शुगर इसकी नीचे ही बच जाएगी और इसमें शुगर की बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं होगी। ठंडे होने के बाद कितने वाइट शानदार से शक्कर पारे तैयार हैं, ऐसा लग रहा है इनके ऊपर एक आइस की लेयर है, बिल्कुल सफ़ेद और क्रिस्पी। देखिए आपको अंदर दिख रही है इसमें लेयर्स, तो ये बिल्कुल हलवाई की तरीके के, बिल्कुल मार्केट के तरीके के शक्कर पारे बनकर तैयार हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।